हर बार हमारे साथ दोस्तों सही होता है। अब तो लग रहा है कि मेरा पूरा मूड खराब हो रहा है, लग रहा है गाड़ी घोड़ा सब बेचबाज दें, आराम से अपना राशन का दुकान खोल लें, सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ भैया का इधर राशन का दुकान खोल लिया जाए तो क्या करेंगे यार, बताओ ना हमको, बताओ जो ठकेबाजी वाला काम आप बताओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और पिछला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि गाड़ी हम लोग बोकारो लेके चल गए थे और गाड़ी का काम करवाने के बाद फिर हम लोग बोकारो से रांची का तार बंडल लोड कर लिए थे। सुबह 10 बजे गाड़ी खाली करके अभी हम लोग रांची का रिंग रोड के बाईपास में है और अभी हम लोग कांके से राइट मार के पतरातू वाला रोड में जा रहे हैं। तो अभी हम लोग को कहा पतरातू वाला घाटी भी मिलने वाला है और हम लोग जा रहे हैं जिंदल स्टील लोड करने के लिए तार बंडल और वहाँ से हमारा गाड़ी लोडिंग होगा बंगाल सिटी गुरु के लिए। इधर देखिए रोहित भाई भी बैठे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों अभी जा रहे हैं, आज करीब 2 साल बाद जा रहे हैं पतरातू घाटी, क्योंकि जब से गाड़ी में थे तो घाटी हम ढूंढे नहीं थे। अब जा रहे दोबारा लेके, मेरा 10-12 बार हम घाटी लेके ढूंढेंगे। यही घाटी मौत का मुंह है, जो लोड गाड़ी इधर से लेके जाता है तो यदि मिस्टेक कर गया तो गाड़ी तो मिलवे नहीं करेगा, ऐसा जगह में उतरेगा, बहुत डेंजरस घाटी है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी आप लोगों को पतरातू घाटी का नजारा दिखाते हैं। अब पतरातू घाटी ढूंढ के फिर हम लोग जिंदल स्टील में लोडिंग करेंगे तार बंडल और हमारे साथ हिटलर भाई भी आने वाला है और मेरा और हिटलर भाई का साथ में जर्नी होगा। देखिए दोस्तों अभी पतरातू घाटी अब आने वाला है, यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर है और अभी हम लोग जा रहे जिंदल। आज तो जिंदल से हम लोग का लोड होगा सिलीगुड़ी का और हिटलर भैया भी आने वाला है। हिटलर भैया अभी चावल खाली कर रहे हैं रांची में, वो भी आ जाएंगे और अभी दिखाएंगे मतलब घाटी कैसा है, बहुत डेंजरस है भाई। अब देखिए यहीं से टर्निंग शुरू हो जाता है, खाली गाड़ी लेके जा रहे हैं, लोड गाड़ी रहता तो सीधा पंकज भैया को मना कर देंगे, या नहीं लोड गाड़ी लेके नहीं ढूंढना है, बहुत डेंजरस। चलिए आप लोग को दिखाते हैं, यही देखिए ये अब इधर से डाउन शुरू हो गया धीरे धीरे, बहुत डाउन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों अभी दोपहर का 11 बज चुका है और देखिए यहाँ पे गाड़ी लगा दिए हैं, पतरातू घाटी से अभी 3 किलोमीटर पीछे है और इधर देखिए दुलाल भैया खड़ा है, देख सकते हैं अभी दतवन कर रहे हैं, मुँह हाथ धो के फ्रेश हो गया, जो पिछली बार गए थे वही बरस उरस कर लिए थे। अब चलते हैं खाना खाने के लिए, यहाँ से खाना खा के और आगे जो घाटी है घाटी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों चलते हैं। दोस्तों अभी दिन के 11:30 बज चुके हैं और अभी हम पतरातू घाटी के पीछे हैं, तो देख सकते हैं खाना में चिकन और चावल है। इधर रोहित भाई का भी चावल आया है, इधर चिकन आया है, तो चलिए दोस्तों खाते हैं, सब निकालते हैं और लोडिंग अपना कर लेंगे। दोस्तों हमारा खाना पीना हो चुका है, तो हम लोग साथ में दो गाड़ी है, एक दुलार जी का गाड़ी है एक हमारा है। हिटलर भाई जो है अभी रांची में खाली कर रहे हैं, वो भी शाम तक या रात तक आ जाएंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं और पतरातू घाटी ढूंढ के जिंदल स्टील चलते हैं, वहीं से हमारा गाड़ी लोडिंग होना है। इधर रोहित भाई खाना खा के आराम कर रहे हैं। चलिए खाना खा लिए, अब चलते हैं यहाँ से, अब घाट आप ढूंढना है, अब यहाँ से बड़ा घाट आने वाला है। ठीक है दोस्तों अब चलते हैं। देखिए दोस्तों वो होटल से तो खाना वाना खा के वहाँ से तो निकल गए, आप देखिए पतरातू घाटी आ चुका है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है और कितना बढ़िया है, देखिए अब बहुत डेंजरस घाटी है, देख सकते हैं। अभी दुलाल भैया आगे आगे चल रहे हैं और हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं, कितना एकदम बढ़िया नज़ारा है देख सकते हैं, एकदम बहुत डेंजरस घाटी है भाई, बहुत डेंजरस घाटी है। घाटी में हमको तो अधिक से ज़्यादा बहुत डर लगता है। देखिए यहाँ से सेल्फी ले रहा सब, यहाँ से देख सकते हैं बहुत, वो देखिए वो वहाँ हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा, वो रोड पे वहाँ पे जाना है। तो देखिए अभी टर्न लेंगे यहाँ से, फिर देख सकते हैं आगे आगे चल रहे हैं दुलाल भैया का गाड़ी, हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया नज़ारा दिया है, एकदम मस्त लगता है देखने में, क्योंकि पतरातू घाटी हम कई बार ढूंढ चुके हैं। बहुत ही सुंदर है पतरातू डैम, जो है पूरा झारखंड की घना जंगल वादियों से घिरा हुआ जगह है और टर्निंग बहुत ही ज्यादा, मतलब हम लोग पहाड़ से नीचे लेफ्ट राइट करके नीचे उतर रहे हैं। रांची है ना सबसे ऊंचा जगह पे है, ये एगो हो गया और एगो रामगढ़ जो टूलटेक्स घाटी है, वो भी ढलान है, ये भी बहुत ज्यादा ढलान है, ये पहाड़ का ऊपर है, इसको ढूंढना पड़ता है,
बहुत डेंजर लगता है, क्योंकि हम जब 12 चक्का जो पुराना गाड़ी चलता था रांची बॉम्बे का, वो गाड़ी में हम ढूंढे हैं, तब से हम कान पकड़ लिए लोड गाड़ी में, भैया हमसे नहीं पैदल आ जाएंगे, लेकिन लोड गाड़ी में ढूंढने बोलिएगा तो हम नहीं सकेंगे, मेरा दिल टूट जाता है। अभी दोनों गाड़ी खाली है, ही चलते पंकज भैया को बोले चलिए इधर से बढ़िया है, क्योंकि घाटी भी एक थोड़ा नजारा भी देख लेना है, 2 साल से आए नहीं है। दोस्तों भी दिन के 1 बज चुके हैं और हम लोग जिंदल पार्किंग में पहुंच चुके हैं, तो ये देख सकते हैं सामने जिंदल का पार्किंग है और इधर अभी हम लोग जा रहे हैं एंट्री करवाने के लिए, हम और दुलार भैया दोनों हैं, तो यहाँ पे पूरा RC लाइसेंस और ये देखिए फाइल भी है, अभी ले जाके एंट्री कराना पड़ेगा, फिर टूल लिस्ट बनेगा, उसके फिर जाएंगे पार्किंग के अंदर में, फिर वहाँ GPS वगैरह लगा के फिर हम लोग मेन फैक्ट्री में जाएंगे। फिलहाल चलते हैं राशन दुकान पे, पहले एंट्री वगैरह करवा लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जिंदल का पार्किंग में आ चुके हैं, तो देखिए सारा एंट्री वगैरह सारा हो गया है। ठीक है दोस्तों, इधर एंट्री हो गया है, अब चलते हैं आगे, लगाते हैं आगे, क्या चिक्का है अभी वहाँ पे फोटो वगैरह खिंचाया जाता है। अच्छा चलिए वहीं पे फोटो। और दोस्तों देखिए एक जोड़ी रोहित का भी जूता ले दिए, एक जोड़ी अपना भी ले लिए, अब चलते हैं और फोटो वगैरह वहाँ पे होगा, फिर यहाँ से पूरा प्रक्रिया कम्प्लीट होने के बाद 4 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा जिंदल के फैक्ट्री में, तो वहीं से तार बंडल लोड होगा। फिलहाल चलते हैं और गाड़ी लगाते हैं आगे में। देखिए दोस्तों अभी जिंदल पार्किंग में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी लगा हुआ है, तभी एंट्री वगैरह हो रहा है, तभी लंच हो गया है, तो यही चलता अभी एंट्री नहीं हो रहा है, बोला आधा घंटा बाद आना, अभी जस्ट पेपर लेके गए थे तो वहाँ पे बोला जो अभी नहीं होगा आधा घंटा बाद होगा, क्योंकि लंच हो रहा है। और ठीक है दोस्तों अभी बारिश भी हो रहा है, इधर देखिए गाड़ी में पंकज भी अंदर में है, दुलाल भैया भी अंदर में, अब जा रहे हम भी अंदर में रहेंगे, क्योंकि बारिश हो रहा है, चलते हैं। दोस्तों अभी दिन के 3 बज चुके हैं और यहाँ पे फोटो वगैरह हमारा सारा हो गया है, तो RC लाइसेंस जमा किए, तो आप GPS हमारा गाड़ी में लगेगा, अभी DO आया नहीं है, मैसेज आएगा तो DO आएगा। फिलहाल हम और दुलार जी का दोनों का हो गया, अब चलते हैं गाड़ी पे, जब मैसेज आएगा फिर GPS लगेगा, फिर हम लोग यहाँ जाएंगे 4 किलोमीटर आगे लोडिंग करने के लिए। चलिए दुलार भैया सारा काम तो हो ही गया है, चलिए आराम से गाड़ी में बैठते हैं, आराम से अब मैसेज आएगा DO लगेगा तो अपना काम होगा। देखिए दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग का गाड़ी घुसा नहीं है, दुलार भैया का जो गाड़ी था वो घुस गया है, बात क्या है 200 टन का DO है, तो ट्रांसपोर्ट वाला तो बुला लिया है, अब 200 टन का DO है तो कल का DO है, आज का DO नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मात्र 38 टन का DO था, उसमें दुलार जी चले गए और हम लोग का जो DO है अभी 200 टन का वो आया नहीं है रोहित, आया नहीं है, इसके वजह से हिटलर भाई का भी गाड़ी फंसने वाला है और हमारा भी गाड़ी लगता है फंसने वाला है, रामगढ़ में आया हुआ। और एक बोकारो से आज चल के रामगढ़ में आया, वो भी गाड़ी रुक गया उधर, और आज है शुक्रवार कल है शनिवार, तो चलिए अब देखते हैं। अभी ट्रांसपोर्टर को फोन किया, ट्रांसपोर्टर मेरे ऊपर बमक गया कस के, बोल रहा है भाई आए हो तो थोड़ा वेट करो, लोड हो जाएगा गाड़ी, टेंशन नहीं, वेट कल 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 भर वेट करेंगे, देखते हैं। अरे रोहित हम 1000 खर्चा कर दिए, 600 रुपये का जूता ले लिया, 450 रुपये का GPS का पैसा वहाँ डाल दिया, अगर गाड़ी लोड नहीं करेंगे तो 1000 रुपये मेरा नुकसान हो जाएगा, डीजल खर्चा। चलिए ठीक है दोस्तों अभी जा रहे हैं बाहर में और देखते हैं, चाय वगैरह भी पी लेंगे और सब्जी वगैरह रहेगा तो खाना वाना बना लेंगे, ऐसे भी गैस वगैरह सारा है, खाली रोटी और सब्जी बनाना है, और बगल में मेरी बहन भी रहती है यहीं पे, 6 किलोमीटर बगल में शादी हुआ मेरा बहन का, तो सोच रहे हैं कि जरा बहन से भी भेंट मुलाकात कर लें, क्योंकि जब से शादी हुआ तब से हम कभी गए नहीं रोहित भाई, पतरा तू पहली बार लाइफ से, नहीं पतरा तू आए हैं लेकिन अपना बहन घर कभी नहीं गए हैं, मैडम सोच रहे थोड़ा बहन से मिल लेते हैं, कहीं फ़ोन किए तो बोला भैया बगल में है तो आके मिल लीजिए थोड़ा, तो चलते हैं थोड़ा बहन घर में मिल लेते हैं, क्या दिक्कत है, तुम रहो ट्रक में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पानी पियो, खाना पीना बनाओ, खाओ रहो बढ़िया, फर्स्ट क्लास, हाँ तो आराम से रहो, बाकी जब कल सुबह आ जाएंगे क्या दिक्कत है, कल सुबह आइएगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर रात में बोलेगा तो रात में आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, कल ले जाएंगे, तो चलिए ठीक है दोस्तों अभी चलते हैं बाहर में। दोस्तों अभी शाम हो चुका है और अभी देखिए बाइक पे जा रहे हैं जितेंद्र जी के बाइक में, तो हमारे मामा की लड़की है बगल में ही रहती है, अभी जा रहे हैं उन्हीं के घर पे, और रोहित भाई जो है गाड़ी में है, तो खाना वगैरह वो होटल में खा लेगा तब तक आते हैं, क्योंकि दोस्तों जब से शादी हुआ कभी हम गए नहीं, फर्स्ट बार जा रहे हैं लगभग 5-7-8 साल के बाद, चलिए चलते हैं, तो 2-3 किलोमीटर बगल में है भुरकुंडे का बगल में, फिलहाल आप देख सकते हैं बाइक से जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो बारिश से जो है दिन भर से लगा रखा है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है अभी, चलिए चलते हैं बाकी वहाँ दिखाते हैं हम लोग। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं भुरकुंडा बाजार में, तो देख सकते हैं, तो अभी मिठाई वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि बहन घर में जा रहे हैं तो मिठाई भी ले जाना बहुत ज़रूरी है, तो मिठाई ले लेते हैं, नहीं तो देखते हैं बगल में फल वगैरह का भी दुकान है, मिठाई नहीं तो आम ले लेंगे, चलिए भुरकुंडा का नज़ारा देख सकते हैं शाम शाम तक, तो चलते हैं मेरा बहन घर का, मुश्किल से दूरी यहाँ से 4-5 किलोमीटर बचा हुआ दोस्तों, तो चलते हैं बहन से मुलाकात भी हो जाएगा, बढ़िया रहेगा।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा ब्लॉग का दूसरा दिन है और दोस्तों अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास। तो रोहित भाई गाड़ी में बैठे हुए हैं और दोस्तों रात में ट्रांसपोर्टर का फ़ोन आ गया था, वो बोला भाई कि 35 टन का डीओ था, वो दुलारजी लोड कर लिए और हम लोग का 200 टन में मेरा हिटलर भाई और एक बोकारो की गाड़ी लोड होना था, लेकिन अभी तक डीओ आया नहीं। इसके वजह से आज भी हमारा गाड़ी नहीं लोडिंग में जा पाया। तो अभी बहन के घर पर आ चुके हैं और रोहित भाई जो नाश्ता वगैरह करके गाड़ी में बैठे हुए हैं, इधर देख सकते हैं अभी क्या करें मेरा समझ में ही नहीं आ रहा है। रोहित भाई कैसे क्या होगा, ट्रांसपोर्टर फिर धोखा दे दिया? ऐसे ज़्यादा पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ट्रांसपोर्ट वाला हरामी है साला, ये धोखा देना नहीं चाहिए। अगला आदमी वैसा बात नहीं बोलना चाहिए, डीओ नहीं डलाया, पहले बुला लिया जो डीओ डला गया 200 टन का। अरे क्या मालूम यार, मेरा किस्मत ही खराब है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ भी जा रहे गाड़ी लोडिंग नहीं हो रहा है, एकदम हालत खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। लगता है गाड़ी को घोड़ा लगता है बेचना पड़ेगा यार, तंग आ गया गाड़ी घोड़ा से। ट्रांसपोर्टर को सोचना चाहिए, जब रांची में हम लोग गाड़ी खाली किए तो फोन करके बुला लिया यहाँ पे पतरातू जिंदल, अगर उसके बाद प्रोग्राम नहीं तो बोलता भाई रात भर रुक जा, हम रात में बुला लेंगे, कल सुबह लोडिंग होगा आपका। आप बताओ, ना डीओ आया ना कुछ आया, हम लोग को फंसा दिया। हर बार हमारे साथ दोस्तों सही होता है, अब तो लग रहा है कि मेरा पूरा मूड खराब हो रहा है, लग रहा है गाड़ी घोड़ा सब बेच बाज दें, आराम से अपना राशन का दुकान खोल लें, सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ भैया का इधर राशन का दुकान खोल लिया जाए तो क्या करेंगे यार, बताओ ना हमको, बताओ ये ठकेबाजी वाला काम। आप बताओ, कल आज शनिवार है, कल रविवार है, कल भी गाड़ी लोड नहीं होगा, अब लोड भी होगा सोमवार को कहीं लोड होगा, तो क्या करें बताओ? यहाँ से चला जाए, अब चलते हैं। हम लोग का तो सबसे बड़ा चिरकुंडा है, यूपी तरफ का माल मिल जाता है। हाँ उधर नेपाल का मिल जाएगा, गोंडा बहरा अयोध्या का माल मिल जाएगा, टेंशन है, उधर से पलापत्ता डायरेक्ट कलकत्ता का मिल जाता है, बाकी आप हल्दिया में चल जाइए, वहाँ से कोयला सब जगह का मिल जाता है, सब जगह का मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब शाम तक यहाँ पे वेट करते हैं, अगर प्रोग्राम मिल जाता है, अगर सोमवार को भी लोडिंग में तो कल रुक जाएंगे, और नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग कहीं गाड़ी लेके जाएंगे। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, रिस्पेक्ट ड्राइवर।